नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम राजा है। किसान परिवार यूट्यूब चैनल में, फेसबुक चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में आपसे कहा था, सभी गन्नों के जन्मदाता गन्ने दिखाएंगे हम आपको, जिनसे सभी गन्नों का जन्म हुआ है। जितनी भी हमारे भारत के अंदर वैरायटियां हैं, सभी इन वैरायटियों से बनी हुई हैं। ये पीछे हमारे वैरायटी पड़ी हुई है, आप हमारे पीछे देख सकते हैं किसान भाइयों, किस किस तरह की वैरायटी हैं। और आपने शायद ही पहली बार देखी होंगी, इस पर ये लगा हुआ भी था 7767 COSO। तो ये किसान भाई, इसे अब ये हमारे सामने गन्ना देख रहे हो, तो ये गन्ना काफ़ी मोटा है, ये इससे मोटा है। तो किसी गन्ने के अंदर किसी चीज़ की अगर मात्रा कम होती है, जैसे मोटाई किसी गन्ने की वैरायटी की कम लग रही है, तो इसके द्वारा क्रॉस किया जाता है उसकी मोटाई बढ़ाने के लिए। अब जैसे हमारे सामने वैरायटी देख रहे हैं, इसका रंग ब्लैक है थोड़ा सा, जिस चीज़ में इसकी मात्रा, जैसे सुक्रोज की मात्रा ज़्यादा है, तो सुक्रोज की मात्रा किसी गन्ने के अंदर कम आ रही है, तो इससे क्रॉस कराया जाएगा उसके अंदर। किसी गन्ने की लंबाई कम है, पोरियों की लंबाई कम है, तो इस तरह के गन्ने से जो जिनकी पोरियाँ लंबी होती हैं, इनसे क्रॉस कराया जाएगा उस बीज को, ताकि उसकी लंबाई भी बढ़ सके। तो अलग अलग क्रॉसिंग के साथ, ये जितने भी आप हमारे नीचे गन्ने देख रहे हैं, सब में अलग अलग खासियतें हैं, हर गन्ने की अलग खासियतें हैं अपनी। जिस चीज़ के लिए हमें चाहिए वो गन्ना, हर वेराइटी जो भी यहाँ आप देख रहे हैं उसमें, उसका सबका अलग गुण है, अलग उनका काम है। जैसा कि देख सकते हैं इसकी पोरियाँ छोटी हैं, किसी गन्ने की लंबी पोरियाँ हो रही हैं, ज़्यादा छोटी करनी है तो इससे क्रॉस कराया जाएगा। तो सभी गन्ने अलग अलग वैरायटी के हैं, ये देख सकते हैं किस तरह का गन्ना है, ये सब बिल्कुल सब अलग अलग हैं। ये टिशू कल्चर तैयार करने के लिए भी हैं, टोटल वैरायटी हैं। तो आपको हमारी यह वीडियो कैसी लग रही है, ये भी कमेंट करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी करना, शेयर भी करना। ये गन्ना देख सकते हैं आप, काफ़ी वजनदार ठोस मोटा गन्ना है। तो इसके अंदर किसी गन्ने में अगर किसी चीज़ की कमी है, तो इनके द्वारा क्रॉस कराया जाता है, और ये ही शुरुआत गन्ने की कराते हैं। तो आपने ये वीडियो पहली बार देखी होगी ऐसी हमारी, तो वो वीडियो भी ज़रूर देखें, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। वीडियो देखने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद किसान भाई।